नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। क्योंकि जहां पर खुशी को एडप्ट करती हुई नजर आने वाली हैं प्राची, प्राची की बात की जाए तो प्राची से प्राची की दादी बोलती हुई नजर आने वाली हैं कि प्राची, जब तुम्हें ये बच्ची इतनी ही अच्छी लगती है और ये जो कि वहाँ पर इसका पालन पोषण भी ठीक नहीं हो रहा, तो इससे अच्छा है तुम इस बच्ची को एडप्ट ही कर लो। जिसके बाद में प्राची को वाकई में ये आइडिया आएगा कि हाँ, दादी माँ सही कह रही हैं। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय प्राची को जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, अपने जीवन में खाली इस समय खुशियाँ ही खुशियाँ चाहिए, और वो खुशियाँ किसी और के साथ नहीं है बल्कि खुशी के साथ है। हालांकि दोस्तों जल्दी ही पता भी लगेगा कि आखिरकार ये बेटी किसी और की नहीं है बल्कि रणवीर और प्राची की बेटी है, क्योंकि अभी तक प्राची या रणवीर को किसी को भी पता नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय रणबीर की फैमिली से भी मिलती हुई नजर आने वाली है खुशी, क्योंकि रणबीर की फैमिली से मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, जहां पर रणबीर लगातार खुशी का ख्याल रख रहा है और उसका परिवार इतना ज़्यादा खुश है इस समय खुशी के साथ में बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रणबीर उस बच्ची को जिस तरीक़े से अपने फैमिली में इंट्रोड्यूस करा रहा है, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वहीं वही बात की जाए तो आप लोग जानते ही हैं कि खुशी की अब दोनों तरफ डिमांड हो रही है, यानी रणबीर और प्राची दोनों के साथ में, क्योंकि दोनों ही इस बच्ची से बेहद प्यार करते हैं और दोनों किसी भी कीमत पर एक दूसरे को देंगे भी नहीं। क्योंकि वहाँ पर आप लोग जानते ही हैं इस बच्ची को किसी भी कीमत पर ना ही रणबीर प्राची को दे सकता और प्राची तो रणबीर को देगी ही क्या, क्योंकि दोनों के बीच में अभी बहुत अंडरस्टैंडिंग होना बाकी है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही कहानी में ट्विस्ट बदलेगा, उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस कैसे लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।